नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुहासिनी वाजपेयी, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। आज हम सभी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सभी ने ये सीखा कि वृद्धि एवं विकास क्या है और एक शिक्षक के लिए अपनी कक्षा में उपस्थित शिक्षार्थियों के वृद्धि एवं विकास के क्रम को जानना क्यों आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम यह भी चर्चा करें कि वह कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि एक प्राणी विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था, तो वह अपने इस विकास क्रम में वह कौन कौन से कारक हैं जिनसे प्रभावित होता है तथा विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर प्रमुख रूप से हम वर्गीकरण करें तो वह दो मुख्य कारण होते हैं। पहले कारक आनुवांशिक कारक कहलाते हैं और दूसरे कारक वातावरणीय कारक कहलाते हैं। इस प्रकार अगर हमें यह अध्ययन करना हो कि वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार प्रभावित होती है, तो मुख्य रूप से हमें इसे दो बिंदुओं पर देखना होगा। पहला बिंदु कि वह कौन कौन से आनुवांशिक कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ वो कौन कौन से वातावरणीय कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवंशिक कारकों की जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कारक है वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम या हेरिडिटी, यह विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। यह कारक विकास को किस रूप में प्रभावित करता है यह जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम यह जानें कि वंशानुक्रम होता क्या है। जैसा कि चित्र के माध्यम से स्पष्ट है, कभी भी किसी भी प्राणी के निर्माण में सबसे पहली अवस्था यह होती है कि वह अपने माता पिता से दो कोशिकाओं, जिनको कि हम शुक्राणु व अंडाणु नाम देते हैं, के माध्यम से विकसित होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज एक कोशिकीय प्राणी की संरचना होती है और किसी भी प्राणी के विकास में यह एक कोशिकीय संरचना मुख्य होती है। यह एक कोशिकीय संरचना लगातार वृद्धि करके एक बहुकोशिकीय संरचना में बनती परिवर्तित हो जाती है, जिसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक संपूर्ण प्राणी का निर्माण होता है और उस प्राणी में वह सारे गुण उपस्थित होते हैं जो उसके माता पिता में रहते हैं। क्योंकि हमने यह देखा कि प्राणी का विकास जिस एक कोशिकीय संरचना से हुआ है वह कोशिका, उस कोशिका का निर्माण मुख्य रूप से उसकी माता एवं पिता की कोशिकाओं से हुआ होता है। अतः यह प्रक्रिया जिसमें वह कोई भी संतति में वह सारे गुण उपस्थित होते हैं जो उसके माता पिता में होते हैं, वंशानुक्रम कहलाती है। वंशानुक्रम में किसी भी प्राणी को बहुत सारे गुण अपने माता पिता के
गुणों के समान प्राप्त होते हैं। अब यह मुख्य है कि विकास की प्रक्रिया में यह वंशानुक्रम किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है। वंशानुक्रम में जिस प्रकार के गुण किसी भी संतति में आते हैं, उस प्रकार ही विकास का क्रम निर्धारित होता है। यदि किसी भी प्राणी के माता पिता में स्वस्थ प्रकार के आनुवंशिक गुण हैं, तो निश्चित रूप से उस बालक में भी, उस प्राणी में भी वह सभी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर आगे जाते हैं, और विकास की प्रक्रिया में उन सभी गुणों का एक निश्चित पैटर्न होता है, और वह प्राणी उस निश्चित पैटर्न पर ही विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्राणी में, किसी संतति में उसके माता पिता से किसी प्रकार के आनुवांशिक रोग या किसी प्रकार के आनुवांशिक विशिष्ट गुण का संचरण हुआ है, तो निश्चित रूप से विकास की प्रक्रिया में उस विशिष्ट प्रकार के आनुवांशिक गुण के कारण उस संतति में उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में सबसे मुख्य भूमिका वंशानुक्रम की होती है, और यह वंशानुक्रम वह गुण है जो किसी भी संतति को विकसित होने की प्रक्रिया में अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अगला आनुवंशिक कारक है लिंग। किसी भी बालक का, किसी भी प्राणी के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसके लिंग का मुख्य लिंग की मुख्य भूमिका होती है। यदि हम देखें तो बालक एवं बालिका के विकास के स्वरूप में बहुत अंतर देखने को मिलता है। कुछ ऐसी योग्यताएं हैं जैसे शारीरिक योग्यताएं, भार, आकार आदि में वृद्धि में बालकों में तीव्रता देखी गई है, किंतु कुछ ऐसी विकास क्रम की योग्यताएं हैं जिनमें अगर हम देखें तो जो बालिकाएं हैं उनमें तीव्रता देखी जाती है। इस तरह हम यह देखते हैं कि जो प्राणी का लिंग है वह उसके विकास की प्रक्रिया में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। लिंग के आधार पर ही बहुत सारे ऐसे रसायन किसी भी प्राणी के शरीर में उत्पादित होते हैं जो विकास की प्रक्रिया को विभिन्न दिशाएं देते हैं। अगले क्रम में आनुवंशिक कारकों में जो कारक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है वह है प्रजाति। किसी विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के प्राणियों का विकास उस विशिष्ट रूप से आगे बढ़ता है जो उस प्रजाति के लिए निर्धारित है। प्रायः यह देखा गया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विभिन्न प्रजातियों का विकास का क्रम विभिन्न यूरोपियन प्रजातियों के विकास के क्रम से पूर्णतः अलग होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के प्राणियों में विकास क्रम में तीव्रता भी देखने को मिली है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से ये आनुवांशिक कारक हैं जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगले चरण में हम अध्ययन करेंगे कि वो कौन कौन से वातावरणीय कारक हैं जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है जन्म से पूर्व परिवेश की परिस्थितियाँ। एक बालक शैशवावस्था में रहता है, इससे पूर्व वह विकास की अवस्था में अपने माता के गर्भ में विकसित होता है, जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था में जब विकास की प्रक्रिया हो रही होती है तो गर्भ के परिवेश की जो परिस्थितियां होती हैं, वहाँ की जो पोषण संबंधी परिस्थितियां हैं, वहाँ के जो परिवेश संबंधी परिस्थितियां हैं, वह
किसी भी प्राणी के विकास के आगे के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। अगर गर्भावस्था के समय कोई जो अगर गर्भावस्था के समय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो निश्चित रूप से वह आगे जन्म के पश्चात प्राणी के विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अगला वातावरणीय कारक के रूप में पोषण को हम देख सकते हैं। पोषण की प्रक्रिया जन्म के पूर्व एवं जन्म के पश्चात दोनों स्तर पर देखी जा सकती है। जब हम यह कहते हैं कि किसी भी बालक का विकास अच्छे रूप में होना सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से हम उचित पोषण की बात करते हैं। उचित पोषण में उसके आहार का ध्यान रखा जाता है। एक संतुलित आहार यदि किसी भी प्राणी को प्राप्त होता है तो वह विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर कोई भी प्राणी विकास की प्रक्रिया के चरण में है तो उसके लिए जिन पोषकीय पदार्थों की आवश्यकता है यदि वह उपलब्ध हैं तो विकास एक का स्वरूप एक अच्छे स्वरूप की तरह निर्धारित होता है और वह प्राणी सभी योग्यताओं से विकसित होता है। अन्यथा कुपोषण की अवस्था में व्यक्ति का विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर बाधित हो जाता है। अगले कारक के रूप में देखें तो शारीरिक विकार तथा रोग भी आते हैं। यदि किसी बालक की विकास की अवस्था में उसमें कोई शारीरिक विकार या रोग हो जाते हैं तो वह निश्चित रूप से उसके आगे के विकास की अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। हमने प्रायः देखा है कि शैशवावस्था में जो बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं उनके विकास का क्रम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है और वह विकास क्रम में किसी भी अन्य सामान्य बच्चे से पीछे रह जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताएं तथा शारीरिक योग्यताएं उनके अंदर उचित रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार हमें विकास की प्रक्रिया में चाहे वह शैशवावस्था में हो चाहे बाल्यावस्था में हो या वह किशोरावस्था में हो यह ध्यान रखना है कि बालक में किसी प्रकार के शारीरिक विकार या रोग विकसित ना हो सके तथा यदि किसी भी प्रकार के शारीरिक विकार या रोग विकसित होते हैं तो उनका उचित समय पर उचित निराकरण किया जाना चाहिए जिससे विकास के अगले चरण में वह प्राणी नियमित रूप से आगे बढ़ सके। विकास को प्रभावित करने वाला अगला कारक है बुद्धि। बुद्धि के लिए यह देखा गया है कि जो अधिक बुद्धि वाले प्राणी होते हैं जो अधिक बुद्धि वाले बालक बालिकाएं हैं विकास की प्रक्रिया उनमें तीव्रता से होती है जबकि जिन बालक बालिकाओं का बुद्धि स्तर कम होता है या औसत बुद्धि के होते हैं उनका विकास उनके विकास की दर उनके विकास की प्रक्रिया कुछ धीमी गति से होती है। विकास को प्रभावित करने में अगले कारक के रूप में जो हम देखेंगे वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। तो प्राणियों में बहुत सारे ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के स्राव स्रावित होते हैं और यह स्राव विभिन्न प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाओं एवं विभिन्न प्रकार की विकासात्मक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का काम करते हैं। जैसे मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें मुख्य हैं थायराइड ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि आदि। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो थायराइड ग्रंथि से कुछ ऐसे स्राव स्रावित होते हैं जो किसी भी प्राणी के
शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव, जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, इसका कार्य शारीरिक वृद्धि पर शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि पर नियंत्रण करना होता है। अतः अगर हम यह कहें कि किसी भी प्राणी में उसकी विकासात्मक अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कम या अधिक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके विकासात्मक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। थायरोक्सिन के अल्प स्राव से उसके विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी एवं उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ अगर थायरोक्सिन का अधिक स्राव हो जाए तो भी विकास की प्रक्रिया प्रभावित होगी और वह विकास का स्वरूप सामान्य विकास का स्वरूप नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव है उसकी एक निश्चित मात्रा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्राव की कम या अधिक मात्रा में अधिक मात्रा दोनों ही विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। अगले कारक के रूप में हम भौतिक पर्यावरण को देखते हैं। किसी भी बालक या बालिका के विकास में भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण भौतिक पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक या बालिका किस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, वहाँ के कैसे परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पे प्रकाश की क्या उपलब्धता है, जलवायु कैसी है, आदि कारक भी विकास को प्रभावित करते हैं। उचित भौतिक पर्यावरण में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं का विकास समुचित रूप से होता है, जबकि इसके विपरीत जो बालक एवं बालिका उचित भौतिक पर्यावरण नहीं प्राप्त कर पाते, उनके विकास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक अगला कारक है अभिप्रेरणा। हमें यह देखना है कि विकास की प्रक्रिया एक ओर जहां जैविकीय तत्वों से निर्धारित हो रही है, वहीं दूसरी ओर वातावरणीय तत्वों से भी निर्धारित हो रही है। और हमारे परिवेश में यदि बालक एवं बालिका के विकासीय अवस्था में उसे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, तो वह निश्चित रूप से उस विकास क्रम में शीघ्रता से आगे बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार के शारीरिक विकास के चरण में खेल से संबंधित कोई विशिष्ट योग्यता है और उसे उस विशिष्ट योग्यता के लिए अभिप्रेरणा दी जाती है, उदाहरण के लिए उसे उस कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं यह प्रशंसा उसकी उस शारीरिक कुशलता, उसके इस गामक कुशलता की वृद्धि में सहायक होती है और वह इस विशिष्ट योग्यता में और निपुण होता चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा भी एक प्राणी के विकास को प्रभावित करती है और विकास को सही दिशा देने में अभिप्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। अगले कारक में हम देखेंगे कि परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति किस प्रकार विकास को प्रभावित करती है। अगर हम विकास की प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं, तो विकास निश्चित रूप से सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में होता है। जहाँ एक ओर बालक के अंदर विकास की प्रक्रिया के दिशा निर्देश स्वरूप सभी आनुवंशिक पैटर्न उपस्थित होते हैं जिनके आधार पे उस बालक का विकास होना है, तो उन आनुवंशिक तत्वों के विकास के लिए उचित परिवेश होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि बालक जिस
परिवेश में विकसित हो रहा है, वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर हम विचार करें, तो निश्चित रूप से वह किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करने का कार्य करती है। एक बालक का विकास विभिन्न पक्षों में होता है, चाहे वह शारीरिक पक्ष हो, उसका मानसिक पक्ष हो, उसका संवेगात्मक पक्ष हो, उसका सामाजिक पक्ष हो। तो ये विभिन्न पक्ष सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से काफ़ी प्रभावित होते हैं। बच्चा जिस समाज में होता है वह उस समाज के गुणों को आत्मसात करते हुए विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। इसीलिए समाज के एक उचित स्वरूप की आवश्यकता किसी भी बालक या बालिका के विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। एक बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर यह समझ नहीं विकसित होती है कि क्या आचरण योग्य है तथा क्या आचरण अयोग्य है। वह समाज में रहकर यह सीखता है कि कौन से आचरण समाज में प्रशंसनीय हैं एवं कौन से आचरण समाज में निंदनीय हैं। अतः समाज की स्थिति किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी विकास को प्रभावित कर रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि विकास हेतु जो अन्य कारक उत्तरदायी हैं उन कारकों की किसी भी बालक के लिए क्या उपलब्धता है। अगले कारक के रूप में हम देखेंगे कि परिवार का वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित कर रहा है। एक बालक परिवार में ही विकसित होता है, पहले वह शैशवावस्था में होता है, फिर शैशवावस्था से वह बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है। उसके विकास की प्रक्रिया का निर्धारण उसके परिवार के वातावरण से भी होता है। परिवार का वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की योग्यताओं का विकास होगा। परिवार के वातावरण में एक बच्चे के विकास में उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों की संख्या, उनके गुण का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ बच्चे की परिवार में क्या स्थिति है, वह उसके कितने भाई बहन हैं, उसका जन्म क्रम क्या है, वह सबसे बड़ा बच्चा है अपने घर का या किसी अन्य जन्म क्रम में है, ये सारी बातें भी उसके विकास क्रम को प्रभावित करती हैं। प्रायः यह देखा गया है कि माता पिता के बीच परिवार में किस तरह के संबंध हैं, इससे भी एक बच्चे का विकास प्रभावित होता है। अगर परिवार में रहने वाले सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम एवं आत्मीयता के संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं वह बालक एवं बालिका के विकास में अपना सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत अगर परिवार में कलह का वातावरण होता है, आपसी लड़ाइयाँ होती हैं, तो वह बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चे का जन्म क्रम, अगर बच्चा अपने परिवार में बड़ा है तो उसके विकास की प्रक्रिया एक अलग प्रकार की होती है, लेकिन अगर बच्चे के बड़े भाई एवं बहन हैं तो वह कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में उनसे अनुकरण द्वारा भी सीखता है और उसकी विकास की प्रक्रिया में तीव्रता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ परिवार के वातावरण में, परिवार में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का भी प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। वह किस प्रकार के टीवी के कार्यक्रमों, किस प्रकार की पत्र पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करता है, या परिवारजन की उपस्थिति किस प्रकार के जनसंचार के साधनों में है, ये सब बातें भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार ये वह प्रमुख कारण हैं
जो वातावरणीय कारक के रूप में बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगले चरण में हम यह देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास पर किस प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित हो रही है और दोनों ही चाहे वह वंशानुक्रम हो जिसको कि हम प्रकृति के रूप में देखते हैं और वातावरण हो जिसको कि हम पोषण के रूप में देखते हैं, दोनों का संयुक्त प्रभाव किसी भी प्राणी के वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। इस चरण में हम यह कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होती है। इस प्रकार शिक्षार्थियों, आज हमने अध्ययन किया कि वह कौन कौन से विभिन्न कारक हैं, चाहे वह अनुवांशिक कारक हों चाहे वह वातावरणीय कारक हों, वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं और किस प्रकार उचित वातावरणीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करके हम किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यह आवश्यक है कि यदि हम वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो हम वातावरणीय कारकों को सकारात्मक दिशा में, उपयुक्त दिशा में ले जा करके बच्चे का अधिकतम एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।